फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत मज़े की आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि हम किस तरह बैंक से गाड़ी ले सकते हैं और बहुत ही इंतहाई कम किस्तों के ऊपर हम अपनी मर्जी की गाड़ी, मर्जी का मॉडल, यूज्ड भी ले सकते हैं, न्यू भी ले सकते हैं और बिल्कुल आसान एकसात के ऊपर, जैसे हम चाहेंगे वैसी एकसात के ऊपर अपनी मर्जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम डाउन पेमेंट कितनी करेंगे तो हमें महीने की किस्त कितनी पड़ेगी, हम एक साल में देना चाहते हैं, दो साल में, सात साल, आठ साल, जितने आपको सूटेबल हों आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप बैंक से गाड़ी कैसे ले सकते हैं। और बिल्कुल इंतहाई आसान एकसात पे जिन साहिबान, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, अगर उनकी तनख्वाह 25,000 रुपये भी है तो फिर भी वो गाड़ी ले सकते हैं, और जो बिजनेस मैन है, जो बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, वो तो वैसे ही ले सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसकी क्या टर्म एंड कंडीशन हैं और कहाँ से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मैं दुबई इस्लामिक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ इस टाइम। अगर आपको ये पेज नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं दुबई इस्लामिक बैंक कार लोन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फाइनेंस, ये जो सबसे पहली टैब आई है ऑटो फाइनेंस, इसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट टैब में जाएं। तो ये देखें कि हम उसी पेज के ऊपर दोबारा से वापस आ गए हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने सबसे पहले फतवा दिया हुआ है जी कि ये फतवा क्या है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हम किस तरह से लोगों को गाड़ी दे रहे हैं। उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फतवा यहाँ से। उसके बाद हम जाते हैं कि कौन कौन लोग ले सकते हैं गाड़ी, और उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंस ऑटो कैलकुलेटर के हमें कौन सी गाड़ी कितने में पड़ेगी। तो पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि 21 साल से लेकर 60 साल तक वो लोग ले सकते हैं जो तनख्वाहदार हैं, जॉब करने वाले हैं, और 21 साल से लेकर 65 साल तक वो लोग ले सकते हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, जो अपना कारोबार वगैरह करते हैं। अब जो सैलरी लेते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए, और उसको सैलरी लेते हुए कम से कम 3 माह हो जाने चाहिए, मतलब उसकी जॉब को 3 महीने गुजर चुके हों, 3 महीने की सैलरी स्लिप्स उसके पास हों। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है तो उसके 12 महीने का जो उसका बिजनेस कम अज कम होना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, CNIC की कॉपी चाहिए होगी। अगर दो बंदे मिलकर लेना चाहते हैं तो को एप्लीकेंट, दूसरे बंदे की कॉपी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आप के पास बिजनेसमैन है तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और बैंक सर्टिफिकेट, क्योंकि बैंक बताएगा जी कि हाँ ठीक है इसके पास इतने पैसे होते हैं, इसके अकाउंट में इतनी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं। अब जाके हम बात करते हैं ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर की कौन सी गाड़ी कितने में पड़ेगी। ये देखें, यहां से पहले आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम सुजुकी की बात करते हैं, सुजुकी सिलेक्ट करते हैं। सुजुकी के बाद जैसे हमने सिलेक्ट किया तो ये उसके मॉडल्स बता रहा है कि ये सारे मॉडल्स जो हैं ये अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हम वैगन आर VXR E2 की बात करते हैं, उसकी कीमत उसने बता दी है 10,74,000 रुपये में। वैगन आर की वैल्यू है 10,74,000 रुपये में हमें पड़ेगी। अब फाइनेंस पीरियड आपने सिलेक्ट करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 साल कर देता हूँ जी, मैं 7 सालों में दूंगा। सिलेक्ट कस्टमर शेयर, इसका मतलब यह है कि आपने शुरू में कितनी अमाउंट पे करेंगे, मतलब के डाउन पेमेंट कितनी है, 10% भी कर सकते हैं, 15 भी, और इतने हम 10% की बात करते हैं, 10% हम देंगे जी। उसके बाद कैलकुलेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा 10% आ गया, 1,74,000 हमारा 10% जो हम उनको देंगे, और महीने की जो हमारी किस्त बनेगी वो बनेगी 15,304 रुपये, और ये 7 सालों के लिए, 7 साल में हम आराम से 15,000 रुपये किस्त दे के गाड़ी अपनी यानी कि हासिल कर सकते हैं। ये है न्यू व्हीकल के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है न्यू व्हीकल मीन्स नई गाड़ी। अब हम बात करें अगर यूज्ड व्हीकल की, यूज व्हीकल में सबसे पहले डाउन पेमेंट सिलेक्ट करें, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 10%, फिर वो कहते हैं जी कि अपना पीरियड सिलेक्ट करें कितने सालों में किस्तें देंगे, हम 7 करते हैं। वो कहते हैं जी कार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम लिख देते हैं जी 5 लाख होनी चाहिए, कैलकुलेट करते हैं 5 लाख की गाड़ी है तो ये हमें 10,097 रुपये महीने की किस्त देनी पड़ेगी। 5 लाख रुपये की मालियत की गाड़ी जो है वो हमें 7 साल हम किस्तें देंगे और 10,000 रुपये हमें पर मंथ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इधर भी आप
कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है दुबई इस्लामिक बैंक का, ये बिल्कुल इस्लामिक बैंक है, फतवा भी उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम फतवे से भी यानी कि कंसर्न कर सकते हैं, फतवा भी देख सकते हैं। अगर किसी लोगों को रिलीजियसली बल्कि ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं तो हमें इशू होगा कि ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है कि नहीं, तो हम फतवा भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, बाकी अगर आपके घर के नज़दीक या आपके सिटी में कोई ब्रांच है तो आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का सिलेक्शन सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।